भागलपुर का रहने वाला एक युवक इन दिनों अपनी सरकारी शिक्षक की नौकरी के साथ साथ डिलीवरी बॉय का काम भी कर रहा है। युवक की सैलरी केवल 8,000 रुपये है, जिस कारण वो दिन में स्कूल में बच्चों को शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ाते हैं, वहीं शाम होते ही डिलीवरी बॉय का काम करने लग जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के सरकारी स्कूल में कार्यरत पीटी टीचर का वेतन इतना ही है कि मुश्किल से अपना पेट पाल सके। इस महंगाई के दौर में परिवार का पेट तो दूर की बात रही, तो फिर वो डिलीवरी बॉय का काम करने लग गए हैं। कहानी भागलपुर के अमित की है, जो दिन में शिक्षक की भूमिका निभाते हैं और आधी रात तक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। बिहार के भागलपुर जिले के सरकारी स्कूल का एक शिक्षक इन दिनों फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं। टीचर दिन भर क्लास में बच्चों को शारीरिक शिक्षा की जानकारी देते हैं, वहीं स्कूल से छुट्टी होते ही वो डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। शिक्षक का कहना है कि टीचर की सैलरी इतनी कम होती है कि मजबूरन डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। डिलीवरी बॉय की नौकरी करने वाले शिक्षक का कहना है कि सैलरी इतनी कम है कि परिवार बढ़ाने में भी अब डर लगने लगा है। फूड डिलीवरी बॉय बनने की कहानी बिहार के भागलपुर जिले के एक सरकारी फिजिकल टीचर शिक्षक अमित की है। शिक्षक अमित को सरकारी स्कूल में केवल 8,000 रुपये की सैलरी मिलती है और इतने पैसे में शादीशुदा जीवन बिताने में शिक्षक खुद को बेबस महसूस करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में उन्होंने एक्स्ट्रा इनकम के लिए फूड डिलीवरी बॉय बनने की ठानी। अमित ने लोग क्या कहेंगे इस बात को दरकिनार करते हुए निजी कंपनी के साथ जुड़कर फूड डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर दिया है। अमित का कहना है कि घर में कलह बहुत ज़्यादा हो रहा था और पत्नी के कहने पर ही उन्होंने जोमेटो में फूड डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू किया है, ताकि घर में लड़ाई ना हो। तो अब स्थिति शांत है, ऐसा कहते हुए शिक्षक अमित हैं वो नजर आए हैं। तो आप क्या नाम हुआ आपका, और सरकारी शिक्षक है और जोमेटो में काम कर रहे हैं, क्या कहा जी? मेरा नाम अमित रंजन हुआ, मैं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हूँ। हम लोगों ने नवंबर 2019 में एग्जाम दिया था पात्रता परीक्षा, और उसमें कहीं भी हम लोग की सैलरी का जिक्र नहीं था। जब हम लोगों ने एग्जाम दिया, फरवरी में रिजल्ट निकला, तो काफ़ी उमंग था कि हम लोग ज्वाइन करेंगे। फिर कोरोना काल आ गया तो वो रुक गया। फिर 2.5 साल के बाद हमें ज्वाइनिंग दी गई और उसमें 8,000 का सैलरी और अंशकालिक का एक लगा दिया गया। इससे पहले जो हमारे शिक्षक हैं, जो भी बड़े भाई हैं, वो लोग 42,000 पा रहे हैं पूर्णकालिक हैं, और हमें सिर्फ 2 घंटे की ड्यूटी रहती है और उसके अलावा स्पोर्ट्स में कहीं भी सारा काम लिया जाता है। पिछले 2.5 साल से हम लोग झेल रहे थे, लास्ट में हार के जब फरवरी के बाद हमें 4 महीना वेतन नहीं मिला, तब मैंने बहुत कुछ करके ये जोमेटो ज्वाइन किया हूँ, तो अभी घर परिवार चल रहा है मेरा। क्या शर्म नहीं लगता कि मतलब ये काम भी करना पड़ता है, सरकारी शिक्षक है? शर्म तो लगती है, लेकिन अब क्या करेंगे। स्कूल की गरिमा को बरकरार रखते हुए स्कूल भी करता हूँ और फिर 5 बजे से रात के 1 बजे तक मैं ये काम कर रहा हूँ जोमेटो का। क्या लगता है कब तक इस तरह की स्थिति रहेगी आप लोग? सरकार सबकी सुन रही है तो हमारी भी सुनेगी। इलेक्शन है, नीतीश बाबू सबका सुनते हैं और हमें भी उम्मीद है कि वो हमें भी पूर्णकालिक करके पूरा काम देंगे। कई बार आंदोलन किया आप लोगों ने? जी जी, बहुत आंदोलन किया। 25 तारीख को फिर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और हम लोग फिर से प्रयास कर रहे हैं। अब बताइए, महंगाई के ज़माने में 8,000 में काम चलेगा? मोबाइल है, गैस का कनेक्शन है, बिजली है, परिवार में 3 लोग हैं, बूढ़ी माँ है, कैसे हम लोग गुजारा करेंगे? वो तो मैं जोमेटो का शुक्रगुजार मानता हूँ कि उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी काम कर सकते हैं। तो जब नौकरी लगी थी तब क्या हालात थे घर के, कितनी खुशियाँ थी और क्या हो गया? जी, नौकरी जब लगी तो घर में बहुत खुशी था कि चलो सरकारी नौकरी हो गया है, अब बच्चे को स्पोर्ट्स सिखाएंगे, ये करेंगे। लेकिन जब 8,000 का आ गया तो बहुत ही निराशा हुई। मैं अच्छे स्कूल में काम कर चुका हूँ, DAV में मैं स्पोर्ट्स टीचर रह चुका हूँ, बिरला ओपन माइंड में स्पोर्ट्स टीचर रह चुका हूँ, लेकिन ये ज्वाइन करने के बाद आज स्थिति बहुत गड़बड़ है। और ऐसी है, कहीं काम मांगने जाओ प्राइवेट में तो वो फुल टाइम मांगते हैं, अब स्कूल भी करना है, फुल टाइम काम भी करो, ये संभव नहीं है। तो बहुत थक हार के मैंने जोमेटो को छोड़ना चाह रहे हैं, काम केवल शिक्षक बनना चाह रहे हैं। जी जी, क्या नाम हो? अमित रंजन हुआ। किस स्कूल में अभी? मैं मध्य विद्यालय रजंदीपुर सबौर में, भागलपुर। भागलपुर को बता दें कि शिक्षक अमित जो हैं उनकी नौकरी
साल 2022 में लगी थी, पिछले 4 महीने से वो ये काम कर रहे हैं। अपने शिक्षक धर्म को निभाते हुए अमित दिन का वक्त जिले के बाबूपुर स्कूल में बच्चों के बीच गुजारते हैं और शाम के 5 बजे से आधी रात तक लोगों के घर घर जाकर उनकी पसंद का खाना पहुंचाने का काम करते हैं। सुनकर बेहद ताज्जुब लग रहा होगा कि क्या कोई सरकारी शिक्षक होते हुए इतना मजबूर हो सकता है। शिक्षक अमित ने बताया है कि लंबे इंतजार के बाद 2022 में सरकारी नौकरी लगी थी। सरकारी शिक्षक अमित की नियुक्ति फिजिकल शिक्षक के पद पर हुई थी, लेकिन उनकी सैलरी सिर्फ 8,000 रुपये है। महज 8,000 की सैलरी पर गुजारा करना मुश्किल है, इसलिए वो पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का काम भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि डिलीवरी का काम करने के बाद उन्हें वापस लौटने में रात के 2 बज जाते हैं। तो शिक्षक अमित है, उनको नीतीश कुमार से काफ़ी आस है, क्योंकि जब 2019 में उन्होंने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया था, परीक्षा दी थी, तब उनकी नौकरी लग गई थी और परिवार में लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि 100 नंबर में 74 नंबर जो है अमित को आए थे और पूरे परिवार में खुशी का माहौल था कि जो अमित हैं उनको सरकारी नौकरी लग गई है। लेकिन कोरोना आने के बाद 2.5 साल तक उनको नौकरी नहीं करने के लिए मिला, लेकिन बाद में जब नौकरी करने गए तो उन्होंने अपनी सैलरी देखा तो 8,000 रुपये महीना तय किया गया था, जिसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा चिंतित भी हो गए थे, लेकिन मजबूरन उन्हें ये नौकरी करनी भी पड़ी। और शुरुआत में वो स्कूल जाते थे और फुल टाइम वहाँ पे काम भी करते थे, लेकिन उसके बावजूद जब ऐसा आदेश आया कि जो हेडमास्टर हैं उनकी तरफ से ये निर्णय लिया जाएगा कि जो PT टीचर हैं वो कितने देर स्कूल में समय बिता पाएंगे, जिसके बाद जो है उनका मन वहाँ से उचट गया, लेकिन फिर भी वो वहाँ जा कर के नौकरी करते हैं। 8,000 की नौकरी होती है, सैलरी मिलने में उन्हें दिक्कतें आती हैं, 2-2 महीने बाद सैलरी मिलती है, तो उन्हें नीतीश कुमार से बड़ी आस है। नीतीश कुमार से आस बंधी हुई है कि आखिर जो है वो कुछ करेंगे PT टीचर का भी, और आश्वासन पर वो टिके हुए हैं कि कभी भी जो है उनकी नौकरी जो है उसमें सैलरी जो है बढ़ा दी जाएगी, इसी आस में वो बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ डिलीवरी बॉय का काम रात के 2 बजे तक शिक्षक अमित करते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है, दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।